कल रात की बात है। कल रात के समय एक महिला है, 21 वर्षीय स्वाति साहनी। ये हैं पुत्री प्रभात कुमार, रहने वाली हनुमंतपुरम हरिद्वार की हैं। तो इनके द्वारा कल ये जिस पीजी में रहती थी, जो सेक्टर 27 से स्थित है नोएडा में, वहाँ पे इनके द्वारा अपने ही कमरे में अपने ही दुपट्टे से फांसी लगाकर, पंखे से लटककर आत्महत्या की गई है। इसके बाद यहाँ पे ये अपने एक रूम पार्टनर के साथ रहती थी। वहाँ पे उस रूम पार्टनर जो उनकी रूम पार्टनर थी, वो छुट्टी पे गई हुई थी, इस कारण से इस कमरे में अकेली थी। उसके बाद किसी कारणवश इनके द्वारा दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या किया गया है। और रात में इनके ही जो पीजी के मालिक थे, वो इनको हॉस्पिटल लेके गए थे, मगर वहाँ पर ये मृत पाई गई थी। आज जब पुलिस को सूचना मिली है, तो पुलिस ने इसमें पंचनामा की कार्रवाई की है, और फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी हो चुकी है। और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में ये आया है कि हैंगिंग के कारण इनकी मृत्यु हुई है, और इनके शरीर पर और कोई जाहिराना चोट मिली नहीं है। और अभी इनके घर वाले आ गए हैं हरिद्वार से, और इनको ले जाके वो अंतिम क्रिया की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की उनकी तरफ से एप्लीकेशन आती है, उसी तरह से जांच करके इसमें आगे की चीज़ों को पता लगाया जाएगा। सर, मामला ये भी था कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, वो चक्कर था, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड की। देखिए, इस चीज़ की अभी तक पुष्टि हो नहीं पाई है। कई सोर्सेज से कई तरह की बातें आ रही हैं सर। एक बार जैसे उनके परिवार वालों की तरफ से कोई एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से आगे की जाँच में बाकी चीज़ें खुलेंगी। राम, क्या हुआ है? कौन लड़की थी? स्वाति। कब से रह रही है यहाँ पे? एक महीने से। पढ़ाई वढ़ाई करती थी? हाँ जी। क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ था, क्या हुआ था? ये तो पता नहीं सर, मेरे पास जो उनका रूम बेड का फोन आ गया, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनसे बात करा दो। पर मैंने जाके नॉक किया तो सुना नहीं, कोई बोला नहीं। फिर स्वाति स्वाति बुलाया, चिल्लाया तो भी नहीं सुना। तो फिर पीछे से खिड़की है, उसमें से देखा तो सुसाइड किया था। सुसाइड क्या, पंखे से लटकी थी? क्या पंखे से लटकी थी। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद फिर मैं जो है रूम में गया, तो फिर गेट खोला। सबसे पहले गेट खोल के सारे लड़की थी, तो वो भी चिल्लाने लगी। फिर हम जाके फिर अंदर जो लड़कियां भी साथ में जाके, भैया इनको जो जल्दी से नीचे उतारते हैं, फिर इनको पानी वानी पिला के देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो फिर हमसे कुछ हुआ नहीं। ठीक। आपने ही पकड़ा? उन्हें पकड़े हैं दो चोर। मोबाइल चोर घरों में चोरी करते हैं ना, कोई सो रहा है मोबाइल उठा लाए, ये कर लाए वो कर लाए। आपके यहाँ बहुत मोबाइल चोरी? आप वही हैं जो है।